Hello. Hi. My name is Ira, and today we are here for this mule friendship jam. And I'm just going to wait for a couple of people to join in, and then I will start my yap, yap, yap. I hope you guys are doing great. It's Wednesday, it's been quite an active day, and you know, बहुत सारी इधर उधर दुनिया भर की बातें चल रही थी, so I thought that let's come in here. है ना, थोड़ा सा पूरी दुनिया से डिटैच करते हैं. वी बीन हैविंग लेजिट अ वीक लॉन्ग पार्टी हियर विद स्म्यूल इन स्म्यूल फ्रेंडशिप जैम. तो यू नो, उसी को कंटिन्यू करते हैं. कल वी हैड सम अमेजिंग आर्टिस्ट विद अस. पापॉन थे, लीसा मिश्रा थी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग दिस वन पर्सन जो इतनी मल्टी फैसेटेड है दैट मैं मतलब क्या ही तारीफ कितनी सारी करूँ, कितने सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करूँ उनके लिए, बिकॉज शी इज़ लिटरली डन सो मच. लाइक वो एक सिंगर सॉन्ग राइटर है, वो एक पोएट है, वो एक लिरिसिस्ट है, इसके अलावा वो एक म्यूजिक जर्नलिस्ट भी है, म्यूजिक क्रिटिक भी है. शी इज़ ऑल्सो द एडिटर ऑफ रोलिंग स्टोन्स इंडिया मैगजीन. सो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट आपके जो भी फेवरेट यू नो आर्टिस्ट हैं इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, शी इज़ जैम्ड विद अ लॉट ऑफ देम. शी इज़ रियली पैली विद ऑल ऑफ देम. प्लस शी हर सेल्फ इज़ सच यू नो अ कमेंडेबल वुमेन. इतना कुछ यू नो शी इज़ अचीव्ड. तो उनसे डायरेक्टली अब बात ही करते हैं. आई एम स्पीकिंग ऑफ निर्मिका सिंह. आई सी दैट शी हैज़ कम इन टू हियर. तो आई एम जस्ट गोइंग टू एड हर टू दिस लाइव वीडियो बिकॉज मैं आपको उनके बारे में जितना बताऊँ उतना कम है. सो निर्मिका, इफ यू कुड जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट एंड वी शुड गेट टॉकिंग हियर. आई लव निर्मिका. ओ ओके, वी शुड कम एंड टॉक बैक टू यू. लिलिया, आई थिंक दैट्स योर नेम. हेलो, हाय इरा. हाय निर्मिका. हाय, आई'm गुड. हाउ आर थैंक यू यू? सो मच. आई'm वेरी गुड. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. मैं आई सुन मीन सुन आई के डोंट आई वाज थिंक लाइक यू अरे मुझे पता भी नहीं मैंने जस्टिस किया है या नहीं, बिकॉज यू नो ना, लाइक आई हैव यू नो सम फ्रेंड्स इन, आई हैव हर्ड अबाउट यू नो द वर्क दैट यू डू. सो आई एम लिटरली रियली रियली एक्साइटेड टू गेट टू नो यू ऐसे यू नो थोड़ा सा एक अनफॉर्मल हाउ लेवल पे. स्वीट, बट वी आर हियर टू हाउ स्वीट. सेलिब्रेट स्म्यूल का फ्रेंडशिप जैम, राइट? सो आपको तो पता ही यस होगा यस दैट स्म्यूल हैज कम आउट विद दिस ट्रैक कॉल्ड इंडिया जैम करेगा. यू गॉट यस बेनी ऑन इट, यू गॉट शालमली ऑन इट, यू गॉट स्नेहा खानवलकर ऑन इट. सो आई थॉट दैट यार ये सेशन का शुरुआत ही हम वो ट्रैक से करते हैं. आई गॉट द ट्रैक राइट हियर एंड आई वॉन्ट यू टू जस्ट ग्रूव विथ मी फॉर अ मिनट. हाउ डज दैट साउंड टू जस्ट ग्रूव काइंड विद यू ऑफ फॉर अ लाइक मोमेंट. ब्रेक द आइस एंड यू नो ओके, आप या वी डोंट हैव टू गाइएगा सिंग, लेट्स जस्ट इतने. मूव. ओके, या श्योर. नो सिंगिंग रिक्वायर्ड राइट नाउ. परफेक्ट, कैन यू हियर आई कैन. दिस? अच्छा, देयर आर स्टेप्स. हाँ, यस. थैंक यू. ऐसा मैंने कभी नहीं किया अपने लाइफ पर, तो गुड. दिस ऑलवेज. हाँ, जान करेगा एंथम जो आप चाहते लवली. हैं उस पे जान कर सकते हो. एंड नाउ हाय वेलकम निर्मिका. आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि यू नो यू आर लुकिंग स्टनिंग. एक्चुअली यू रियली आर लुकिंग रियली रियली प्रिटी. आई लव दैट हियरिंग फ्रॉम योर वेडिंग. ओह, थैंक यू. ये जो लिली सो है, शी इज ऑन चैट, एंड शी इज द वन हु कमेंटेड इट. दे आर हर फेवरेट इयररिंग्स, एंड ऑफ कोर्स शी इज, आई कॉल हर लिली, माय लाइफ लाइन. तो So उनकी is जो she like कृपा your really है मैंने. close friend? शी इज अ फ्रेंड, Anything? कॉन्फिडेंट, माय लाइफ सेवर, सेवियर, एवरीथिंग रोल्ड इन वन. सो Oh wow. यप. Okay. I think we'll be talking more about really because you know like we said that you know ये पूरा हम फ्रेंडशिप वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं. श्योर I would also श्योर like to know about you know your friends and all. But सबसे पहले तो यार निर्मिका, मतलब इतना इंप्रेसिव आपका ये पूरा मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए यूज किए हाँ वो सब था. आई वॉन्ट टू नो कि आपकी लाइफ में म्यूजिक, when did you realize that you know this thing is really important to me so much so that I want to properly make a career out of it? वाह, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. थैंक यू. आई विल गो बैक टू माई चाइल्डहुड, क्योंकि सब कुछ जो है वो चाइल्डहुड में ही होता है. सो यू वोंट बिलीव, टिल आई वाज अबाउट 9 or 10, आई रियली डिडंट बॉदर मच अबाउट म्यूजिक. इट डिडंट, यू नो, इट डिडंट अफेक्ट मी. आई डिडंट फील एनीथिंग. बट माई सिस्टर वॉज अ बिग बिग म्यूजिक बफ, एंड शी वॉज द वन हु वॉज वॉचिंग एमटीवी हमेशा.
तो इट आई गॉट इन्फ्लुएंस विद माई सिस्टर एंड देर वॉज दिस वन टाइम शी वॉन अ बिग प्राइज. उनको प्राइज में शी गॉट सम 24 to 30 कैसेट्स एंड दिस विल बी 1995. सो आई वॉज वॉट 7 or 8 years ओल्ड. तो शी गॉट दिस बिग हैम्पर विद सो मेनी कैसेट्स विच हैड म्यूजिक फ्रॉम रॉकजेट, फ्रॉम क्रिस टेबर्क, क्रिस रिया, यू नो वी चैनल भी तब लॉन्च हुआ था तो उसके कंपाइलेशन. एंड देन आई थिंक दैट आई गॉट अ बिग एपिफनी एंड आई थिंक माई वर्ल्ड जस्ट एक्सपैंडेड व्हेन आई you know when I stumbled upon this beautiful treasure trove of music. And since then there's been no looking back. Whenever my sister she's not a musician, she's a pilot, she's actually an Air Force pilot, so unka to career alag alag ho gaya, but I was the one who got bitten by the bug. So whenever she would go out for her tutions, main unki ek diary nikal ke I used to sing on the at the top of my lungs in front of the mirror. But likhne ka bhi shauk tha uske sath sath, because at home my parents wrote. So I think I grew up in a very creatively inspiring place, home, and I think that really matters na, when your parents and your family is supportive. तो ऐसा ही था मेरी शुरुआत. उसके बाद तो बस पढ़ाई के बाद मुझे जर्नलिज्म करना था, फिर जर्नलिज्म से म्यूजिक जर्नलिज्म हो गया, फिर गाने लिखने शुरू किए, खुद का बैंड भी रहा है बहुत सालों तक, तो Yes, मैंने है ना, सब कुछ किया. निर्मिता एंड सम टू फ्यू गुड जेंटलमैन, इज दैट द फ्यू नेम? गुड मैन, या वेरी निर्मिका एंड द फ्यू गुड मैन. हाँ. So यस yeah, we don't perform anymore, but the music of course inspires you forever. यस सो नाउ सिंस यू मेंशन म्यूजिक की आप तब से ही मतलब कहीं पे जाम करने लगे थे, तो व्हाट्स दैट वन सॉन्ग फॉर यू जो कि आप फ्रेंडशिप के साथ रिलेट करते हो, लाइक चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग हो या फिर कोई हिंदी गाना हो, कि व्हेन आई से फ्रेंडशिप दैट्स द सॉन्ग दैट कम्स टू योर हेड? आपने बोला फ्रेंडशिप, यारी दोस्ती की बात कर रहे हैं, एंड वी ग्रू अप इन दोस टाइम्स, यू नो व्हेन बॉलीवुड म्यूजिक वाज पिवटिंग, यू सॉ यू नो सच ब्यूटीफुल साउंडट्रैक्स कमिंग इनटू बॉलीवुड, क्योंकि 90s तक हमें पता है कैसे साउंडट्रैक्स थे. एंड देन यू हैड पीपल लाइक शंकर एहसान लॉय, यू नो एडिंग देयर मैजिकल फ्लेवर. तो दिस सॉन्ग जो रॉकफोर्ड से है, के का गाना है, यारो दोस्ती, आई थिंक दैट इज वन सॉन्ग दैट कम्स टू माइंड. और वो हमेशा हर फेयरवेल पे, हर फ्रेंडशिप डे पर वो ही चलाते थे लोग. तो या एब्सोल्युटली, एक वो गाना रहता था एंड वो एक गौरव दगावकर का एक गाना था ना, आई एम रियली गॉना मिस दिस प्लेस, आई एम गॉना मिस माय कॉलेज डेज. सो सिंस यू मेंशन यारो, कैन वी हियर यू सिंग दैट? बिकॉज़ यू मेंशन कि यू यूज्ड टू बी इन अ बैंड एंड ऑल, वाओ. सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस. आपको अभी आपके इतने सारे एडमायरर्स हैं जो जुड़ रहे हैं, सो यू मस्ट सिंग लाइक एटलीस्ट अ फ्यू लाइंस फॉर अस. हाय, सब डर ना जाए, क्योंकि मैं मोस्टली इरा मैं रिसाइट करती हूँ पोएम्स, और मैंने अच्छा, एक टू साल से लाइंस गान. ओके चलो, तो आप भी गाना मेरे साथ, ठीक है? आई विल ट्राई. तो बहुत ही सुंदर गाना है. प्लीज के एंड प्लीज शंकर एंड एहसान एंड लॉय, फॉरगिव मी फॉर बुचरिंग द सॉन्ग, बट दिस इज अ सॉन्ग दैट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. बहुत अच्छे लिरिक्स भी है. तो यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिल भर हो यार जिस पर. ओके आगे क्या आता है, जिस दैट पर. इज वेरी वेरी गुड. जिस थैंक पर यू. मेरे को खुद खुद भी पे हो बड़ी नाज. याद है, क्यों या नहीं याद है, बहुत ही. आई थिंक यू नेल्ड इट. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज योर फॉर थैंक निर्मिता, यू शी इज थैंक सच अ यू. स्पोर्ट यार. आधे आधे मैंने आपको डांस करा दिया, आपने डांस कर लिया, हाय, फिर मैंने और कुछ आपके मत गाने करवाना. बजाने को बोला, आपके गाना भी गा अब आप दिया. बोलोगे झाड़ू भी लगा लो, वो भी मैं लगा लूंगी, क्योंकि घर की झाड़ू करना लगानी ही है. क्या वैसे, आई लॉकडाउन में और किया ही नो, क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. So do tell us that how has the lockdown period been for you? मतलब suddenly do you find yourself to be a little domestic? Because that's what's happened to me. I am मुझे घर के काम बहुत कम आते हैं, just be honest. But I think कहीं ये pandemic की वजह से थोड़े बहुत skills I have picked up. Have you picked up any skill like that in the pandemic? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इरा, आई थिंक द लॉकडाउन हैज टॉट अस टू बी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, वेरी सेल्फ डिपेंडेंट. तो ऑफ कोर्स मैं झाड़ू, आई यूज्ड टू समटाइम्स एंजॉय प्री लॉकडाउन टू वॉश डिशेस, क्योंकि बहुत थेरेप्यूटिक लगता था, टिल आई स्टार्टेड डूइंग इट एवरी डे. देन इट्स बिकम लाइक समथिंग आई अवॉइड एट ऑल कॉस्ट. लेकिन ऑफ कोर्स करना पड़ता है रोज, हर दूसरे दिन. तो या एंड आई थिंक द लॉकडाउन हैज आल्सो टेकन मी बैक टू माय ओल्ड लव ऑफ कुकिंग, एंड जो मैं बीच में नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आई टू ट्रैवल अलॉट एंड वर्क होता है, तो यू रियली कांट डिवोट दैट मच टाइम. लेकिन वही है ना, जो शौक है, जब वो जरूरत में बन जाते हैं, तो दे दो बिकम वेरी देन दे बिकम वेरी डिमांडिंग.
But I enjoy, you know, I quite enjoy the lockdown period also because it's given so many creative ideas to me, right? Like आई थिंक मैं अपने हर लाइव सेशन में जब मैं पोएट्री अपना रिसाइट करती थी तो यही बोलती थी कि ये सजा नहीं है, इट्स एक्चुअली एक सुनहरा पीरियड है दैट यू आर गेटिंग यू नो इनफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, यू आर गेटिंग टाइम टू यू नो बिल्ड ऑन द आइडिया दैट यू नेवर गॉट, जैसे फुर्सत की हम लोग बात करते हैं ना. चलो मैं आपको एक प्लीज सुनाती हूँ इस बात पर, लॉकडाउन पर ही, प्लीज बिकॉज इट्स कमिंग टू माई माइंड. तो हम लोग हमेशा फुर्सत की बात करते हैं कि कब फुर्सत मिले, कब फुर्सत मिले. अब फुर्सत मिल गई हमको, अब इतनी फुर्सत का क्या करें. तो आई रोट दिस बिफोर द लॉकडाउन एंड आफ्टर द लॉकडाउन इट जस्ट गॉट एन होल न्यू मीनिंग कि फुर्सत से बैठेंगे आज, फुर्सत से बैठेंगे आज, फुर्सत से गुनगुनाएंगे, फुर्सत से बैठेंगे आज, फुर्सत से गुनगुनाएंगे, ऐसे फुर्सत वाले दिन रोज रोज नहीं आएंगे. उफ, फुर्सत से बैठेंगे आज हाँ, फुर्सत फुर्सत से गुनगुनाएंगे, फुर्सत ऐसे फुर्सत वाले दिन रोज रोज नहीं आएंगे. फुर्सत से सोचेंगे आज, फुर्सत से सोचेंगे आज, फुर्सत से बहल जाएंगे, फुर्सत से तकलीफों को आज ठिकाने लगाएंगे. तो हाँ, तो आई थिंक सब फुर्सत से ही हो जाए. आई लव दैट एंडिंग. यू नो मतलब हु वुड हैव थॉट दैट फुर्सत ये वर्ड को आप ठिकाने तक लेकर जा सकते हो. यू डन इट सो नाइसली. यू नो समथिंग ओनली अ पोएट कैन डू. आई ट्रूली बिलीव. वैसे आपकी जो थैंक फ्रेंड है यू यहाँ पे लिली, जिनके बारे में आपने मेंशन किया, वो अरे आपके बारे में ऐसे सीक्रेट्स हमें बताए जा रही है. अरे इन कमेंट्स शी इज लिली, मेंशन डोंट दैट शी स्पिल हैज अ टू मच. बेस्ट फ्रेंड गुलाशा, हर पेट हाँ कैट. राइट, गुलाशा भी यहाँ पे फ्रेम में थी. आई थिंक शी जस्ट रन आउट और शी स्लीपिंग ऑन द सोफा. या माय पेट कैट इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय वर्स्ट एनिमी आल्सो, बिकॉज़ शी विल वेक मी इन द मिडल ऑफ द नाइट विद हर म्यूइंग इफ शी वांट्स यू नो वाटर और शी वांट्स फूड. तो बहुत बुली भी है, बट यू नो हाउ कैट्स आर. आई थिंक आई एम नो डिफरेंट देन अ कैट माय सेल्फ. सो ऐसे ही है. I'm seeing here, यार अनिर्मिका की, you know, बहुत सारे लोग, I mean, the minute you've recited your poetry, you know, suddenly everyone's just kind of come to life ki, oh, Anirmika in her element. So I think we must make you do a bit more of that. But I must ask you a couple of more questions, you know, since again, friendship के बारे में तो हमने बात की है. I want to know आपका industry में फिलहाल favorite singer कौन है? वाह, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, या कितना इसीलिए मैंने मुश्किल क्वेश्चन फिलहाल है. बोला. वाह, मेरा मेरी मेरी फेवरेट सिंगर अभी इंडस्ट्री में एक्चुअली दो सिंगर्स है, बहुत ही फेवरेट है. इसलिए फेवरेट है बिकॉज दे वर्सेटाइल, एंड आई थिंक आई रियली एज एन आर्टिस्ट एज ए राइटर आई रियली वैल्यू वर्सेटिलिटी. सबको नहीं इस चीज की ब्लेसिंग होती है, और जिनको होती है तो और कमाल की होती है तो इट्स इवन बेटर. सो आई एब्सोल्युटली लव जोनीता. जोनीता इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एब्सोल्युटली लव हर. वी वर्क्ड ऑन सॉन्ग्स टुगेदर, आई हैव रिटन सॉन्ग्स दैट शी हैज सॉन्ग, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने सॉन्ग लिखा है और उन्होंने गाया है. एंड देयर इज अनदर यंग अप एंड कमिंग सिंगर हु आई थिंक हुज अप एंड कमिंग तो नहीं है, शी इज ओनली 20 years old. अभी उन्होंने ए आर रहमान के साथ भी गाना गाया है, बट शी इज जस्ट ब्यूटिफुल अमेजिंग. हर नेम इज अंतरा नंदी एंड आई वॉन्ट एवरी वन हियर टू फॉलो अंतरा नंदी. आई एम श्योर यू माइट बी फेमिलियर विद जोनीता, तो सब जानते हैं. अंतरा ऑफकोर्स ऑल्सो लुक्स अप टू जोनीता एंड शी समबडी हुज जस्ट सो गिफ्टेड. यू नो देर इज नथिंग दैट शी कान डू, वेदर इट्स फोक, क्लासिकल, जैज, ब्लूज, एंड यू नो मास्टरिंग ऑल ऑफ दो स्टाइल्स टेक्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैलेंट. तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर हियर. हेलो हेलो आसमा, हाउ आर यू डूइंग? आप सारे सीक्रेट्स बता रहे हो मेरे को. हाँ, आई हैव गॉट सम पीपल हु कॉल मी मेरा वही चियरफी. पहचान है. यू नो आधा एक आंख आप पे और एक आंख यू नो ऑडियंस पे है. क्यों? ओके कंटेंट आधा है. बट आई नो आई नो सो वी गॉट अ क्वेश्चन हियर फ्रॉम जिप्सी सोल. सो निर्मिका, स्टार्टिंग में वी मेड यू जैम टू इंडिया, जैम करेगा, वी वर डांसिंग टू दैट सॉन्ग. सो क्वेश्चंस कम फॉर यू कि हाउ मच डू यू लाइक इंडिया जैम करेगा ये ट्रैक. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट लाइक इट फीचर्स ऑल ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स. मुझको और क्या चाहिए एज अ आर्टिस्ट म्यूजिशियन टू सी शालमली, बेनी एंड स्नेहा एंड यू नो ऑल ऑफ दीस पीपल कमिंग टुगेदर. आई वाज थिंकिंग हूएवर्स क्यूरेटेड इट, हैट्स ऑफ. हैट्स ऑफ टू रेडियो मिर्ची, हैट्स ऑफ टू स्म्यूल, दैट यू आर गेटिंग यू नो सिंगर्स हु आर नोन फॉर अ डिफरेंट यूनिक टैलेंट कम टुगेदर. बट यू बिल्कुल. नो इट्स नाइस टू सी इनोवेशन. आई लव द ट्रैक एंड इट्स वेरी ग्रूवी. आई एम अ बिग ग्रूव फैन. सो यू नो whether whatever music I like, I am a groove focused person, so I love it. Hey Juhi, hi, how are you? यहाँ पे मिलेंगे लगता है. हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं. इरा, बहुत अच्छा हुआ. अच्छा, How are you सो doing? सिंस यू नो योर फ्रेंड्स आर हियर, आई मस्ट आस्क यू दिस ट्रिकी क्वेश्चन दैट यू हैव टू नेम हाँ जी. वन फ्रेंड नाउ.
ओ जो गॉश कि आपका काइंड ऑफ एक गो टू पर्सन है, यू नो, लाइक जब भी आप किसी भसड़ में होते हो तो दिस इज द पर्सन दैट यू टर्न टू कि बॉस हेल्प कर दो यार, प्रॉब्लम हो गई है. वन पर्सन. ऐसी एक ही पर्सन है हु आई टेल यू आई गिव यू द बैक स्टोरी बिफोर आई रिवील हर नेम हु इज माय बिगेस्ट चीयर लीडर शी लव्स मी लाइक हर ओन सिस्टर शी यूज्ड टू बी माय बॉस व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माय करियर इन जर्नलिज्म बैक इन एचटी तो मैं 18 साल की थी एंड आई हैव टू गो टू दिस बिग टॉल एस बिल्डिंग इन कनॉट प्लेस टू द सिक्स्थ फ्लोर एंड इट्स वेरी डॉन्टिंग मैं हर चीज की बैक स्टोरी देती हूँ फिर बताती हूँ नाम या बिल्ड अप बिल्ड अप build up बिल्कुल. so I was all of 18 and शुरू से I wanted to do a thousand things at the same time so I was studying journalism at LSR और मेरे को छुट्टियों में internship भी करनी थी जरूरत नहीं थी लेकिन मुझको करनी थी and then I went to HT and I you know applied and all of that and I got through so there was this one girl who just who I who was almost like a mirror to me like I saw myself in her she was boisterous crazy my boss And someone who really took me under her wing, and now over the years, it's been what 10, 12 years, she's become my older sister and my best friend. Her name is Avantika Kukreti, and I think वो आएंगी कभी और लाइफ तो देखेंगी भी और बहुत सारा टैग भी करेंगी आपको. She's phenomenal. She's a super mom. She's a super fitness, you know, influencer and influencer in the real sense. You know, like लोग influence की बात करते हैं ना, but when people really influence you to the point That they uplift you. I think that's the real value. So that's her, Avantika Bahuguna Kukreti. Where are you? I'm sure she must be here, and if she's not, then she'll definitely get to catch this live Yeah. video a little later. So Sure. Avantika, and आप कभी ऐसे मतलब jam करते हो, because you know, like since you know you're so into music, so I'm assuming that jamming sessions तो आपके बहुत सारे होते होंगे, चाहे आपके दोस्तों के साथ हो या फिर आर्टिस्ट के साथ हो. बहुत सारे हम लोग आप मानोगे नहीं जब हम लोग न्यूज रूम में थे तब भी हम लोग वो डकटेल्स का गाना गाते रहते थे ऑल द टाइम यू नो लाइक वी वर दोस काइंड ऑफ तूफानी पीपल की जिंदगी तूफानी है एंड वही सो या आई थिंक म्यूजिक रियली टाइज अस एंड व्हाट अ बेटर गिफ्ट आई मीन दे कांट बी अ बेटर गिफ्ट देन म्यूजिक नहीं Absolutely. So, we must ask you now. Like मैंने देखा है कि you've worked with रहमान as well. आपने you know उनकी कई songs pen भी किए हैं. You've written his songs. I think अभी recently मैंने YouTube पे कुछ 5 महीने पहले एक गाना देखा था. I think you got me. So उसके हाँ lyrics were जी also, if I'm not mistaken, by you, right? हाँ जी हाँ जी और यू गॉट मी इज कर्टसी ऑफ जूही जो अभी लाइव पर देख रही हैं जूही ऑल माय लव टू यू मैं तो लिबर्टी ले रही हूँ अपनी फ्रेंड बोलने का बट जूही इज अ मेंटोर फिगर टू मी समबडी आई लुक अप टू शी आल्सो इज यू नो लीड्स यू नो लीड्स ब्रांड्स एंड पार्टनरशिप्स एट क्यूकी एंड शी इज समबडी हु मेड दिस प्रोजेक्ट पॉसिबल इट वॉज द नेक्सा म्यूजिक प्रोजेक्ट एंड उसके अंतर्गत था ये गाना जो मैंने लिखा था एंड एंड आई रियली एम तो ग्रेटफुल आपने ये फॉर लिखा भी. हाँ जी या सो या आई मस्ट आस्क यू निर्मिका कि आप यू नो सिंस रहमान सर के साथ यू नो फॉर हिम यू रिटन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, देन फॉर अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स आल्सो यू रिटन लाइक अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कभी कोई जैमिंग सेशन में ऐसा एक यू नो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट रहा है कि सॉरी यू आर लाइक ओ माय गॉड आई कांट बिलीव आई गॉट टू विटनेस दिस. राइट राइट इरा मैंने आपका 5 सेकेंड का मिस कर दिया बिकॉज मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया था आप मुझसे पूछ रहे हो दैट या यू आस्किंग मी कि हाउ डज इट फील दैट हाउ यू या I'm asking you कि you know have you had any memorable moments you know कि किसी jamming session में जो आपको याद रह गया होगी. I'm so lucky I got to attend this one. नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि you know jamming sessions में ये कुछ होता है, something with the musicians say for example. मैं आपको एक ही किस्सा बता सकती हूँ मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम आल्सो फॉर मी टू नरेट इट मैं रहमान सर का बता देती हूँ कैसे हुआ था तो रहमान सर से Nice. मेरी मुलाकात हुई थी Nirmika, फू can I just cut you for one श्योर second? श्योर श्योर Nirmika, श्योर ma'am, can श्योर I just cut you for one श्योर second? श्योर श्योर आपका वीडियो जो है ना वो फ्रीज हो गया है, so is it possible for us to join again? या Because your श्योर video is getting really it's frozen on श्योर the screen and comments भी श्योर आ रहे हैं. श्योर Yeah, so I'll just cancel this and श्योर please send me a request again. Yeah. श्योर ऑसम Okay. All right, so we are in conversation here with Nirmika, and she's managed to tell us a lot of things. And she was just getting to the exciting bit, you know, where she was jamming with Rehman, and then what was happening.
ये वापस निर्मिका आके बताएंगी. सो निर्मिका, इफ यू कुड जस्ट सेंड अस रिक्वेस्ट वन मोर टाइम, वीडियो स्टैच्यूड, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू से वीडियो फ्रीज हो गया है. वी आर रिकनेक्टिंग विथ निर्मिका. सो हियर वी आर नाउ वेटिंग फॉर निर्मिका टू जॉइन द वीडियो एंड वी शुड बी ऑन इन 3, 2, 1. 0.5, 0.25. अरे निर्मिका के लिए आई कैन सी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. मैम आई वांट टू वर्क विथ यू. आई अज्यूम ये मेरे लिए तो नहीं होगा, ये निर्मिका के लिए ही होगा. सो वी वेटिंग फॉर हर टू जॉइन द वीडियो. अभी तक कनेक्ट हुआ नहीं है. निर्मिका मैम कहाँ चली गई? निर्मिका मैम वापस आ रही है. वी वर फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एडिंग हर अगेन. इट सीज निर्मिका इज, आई नो वी वॉन्ट टू आस्क हर अ कपल मोर क्वेश्चंस फॉर श्योर. निर्मिका एडिंग. ओके, इट सीज दैट. निर्मिका इफ ऑलराइट, इट्स ऑलराइट, डोंट वरी, इट्स ओके. इज देयर समवन दैट यू स्टिल वांटिंग टू वर्क विथ? यस, दीज आर सम रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि आ रहे हैं निर्मिका के लिए. एज सून एज वी लॉग बैक इन विथ हर, वी विल बी आस्किंग हर ऑल ऑफ दैट. ऑलराइट, हाय All right. निर्मिका. Hi. I had हाय to move हाय my हाय हाय position. You know, आई एम I had सो to get out of हैप्पी. that zone. Yeah, so I'm you told us a sorry. very interesting story about a jamming session with Rehman. Tell us that. So it was my first. मतलब आपने पूछा कि if there was any moment which really, struck as a star. I'm Correct. sorry if my light is a little botched up because I had to move It's okay. It's to a okay. better Wi-Fi condition. There's only one memory that comes to mind. It's, I think, my life's most precious, precious memory. A few years ago, about almost 3 years ago, I was introduced. Like, सब लोग पूछते हैं कि आप कैसे आपने गाना लिख लिया, कैसे रहमान सर से आप मिल गए, ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, हाउ डिड यू, यू वर जस्ट अ जर्नलिस्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो एंड यू नो दैट दैट लाइफ रियली गिव्स यू दीज ब्यूटिफुल, लाइक इन माई लाइफ आई एम सो ग्लैड. जैसे आपने आज फ्रेंडशिप की बात करें, अगर मैं इनका नाम नहीं लूंगी तो आई थिंक आई वुड बी नॉट टेलिंग द इंटायर, ऑनरिंग द द वैल्यू ऑफ अ फ्रेंडशिप. That life gives you all of these beautiful friends who are like your angels, who really guide you, help you. So रहमान सर से मेरी मुलाकात हुई थी वाया समीर, जो एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे. ही इज नो मोर विद अस. वेरी डिफिकल्ट टाइम. वी फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द पास्ट 2 months सिंस ही लेफ्ट अस. अ विजनरी, समबडी हु हैज टच सो मेनी लाइव्स इंक्लूडिंग माइन, who's really paved way for people to achieve whatever dreams they wanted to. So Samir ke through meri mulaqat hui thi Rehman sir se, aur it was a beautiful moment ki main Rehman sir se pehle bhi mil chuki thi as a journalist, lekin not as a poet and a writer. So he introduced me very casually, that Rehman sir, this is Nirmika, you might know her as a journalist, but she's also a poet. And Rehman sir was, he's such a amazing, beautiful person. He said, okay, you're a poet, recite something. I was like, okay. And there I recited a few words in front of him. And just then, the moment I stopped reciting, it was a small couplet I'll recite maybe for you in a bit. I finished reciting that, and sir said, Nirmika, would you be game to write a song for me? And at that Wow. moment, Ira, my whole world, I got blank. I didn't know what to say. I was like, oh my God. What did I Beautiful. do? How did the universe conspire for such a beautiful thing to happen? Here is this legend who I've just recited, जैसे मैंने आपको सुनाई है दो चार, जैसे ध्यान में आ जाते हैं तो वो सुना दिया कि उन्होंने अच्छा ये सुनकर बोल दिया कि गाना लिखो. आई वाज लाइक श्योर. एंड देन ही टोल्ड मी, इट्स नॉट अ, इट्स अ सॉन्ग दैट वी आर राइटिंग, इट्स बेसिकली लाइक एन एंथम फॉर इंडिया, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, सचिन इज पार्ट ऑफ इट, नो प्रेशर, राइट इट. आई वाज लाइक आई कैन नॉट बिलीव इट. No सो pressure. नो प्रेशर No एट ऑल. pressure. So I spent the next 2 hours writing it for him, and that's how we worked on that song. It's called Ganga. You can check it out. And so, ye matlab, this is the moment where I realized, wow,
you know, like the friends that I have, continue to have, the friends that I've had are people who are absolutely responsible for all the goodness that I have been able to bring through my art, and also for all the bad habits. So I'll blame that on the friends also. But It निर्मिका, दिस इज क्वाइट अ स्टोरी ना. मतलब एक जाने के is. सेशन में लिटरली काइंड ऑफ यू नो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी लाइफ बदल गई, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यू नो लाइक. डू यू रिमेम्बर हाँ जी, व्हाट यू रिसाइटेड फॉर हिम? आई डू सुनाती हूँ. हे हीरल, यस हीरल इज हियर बाय द वे, यू हैव अनदर फैंटास्टिक पर्सन. इरा, ये जो हमारा जो फीड है ना, आई मीन मे बी थैंकफुली, क्योंकि मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स काफी हैं, दीज आर लेजेंडरी पीपल इन देयर ओन राइट. हीरल विराडिया जो अभी ज्वाइन किया है, शी इज वन ऑफ, आई वुड से वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कंपोजर्स, हु एक्चुअली वर्क्स फॉर मिस्टर रहमान. And you know, she is the studio head, or she's got a fancy designation. And I have seen her manning like my life's biggest, you know, feminist experience has been where Hiral has been the producer, I've been the lyricist, and Jonita has been in the singing booth. And we were like, this is a remarkable moment. You don't see a lot of women in studios, and Women, that's all. yes, Yeah, women yes. musicians कहाँ मिलते हैं यहाँ पर. So Hiral, मजे आ गए, आज आप आ गए. तो बहुत मैवरिक है ये सब. ओनली 23 years old, आई थिंक 22 23, एंड ऑलरेडी अ कंपोजर एंड अ प्रोड्यूसर. सो या Supposed to be a मंगल, refugee. हाँ मंगलम, यू आर हियर, व्हाट्स अप, हाउ इज इट गोइंग, अनदर जर्नलिस्ट एंड म्यूजिशियन फ्रेंड ऑफ माइन. सॉरी, आई हैव टोटली टेकन ओवर ओनली ना. It's all right. हाँ So can जी, we, you know, we just have like a couple of minutes left. So can we श्योर. please you say that those lines, you तो know. हाँ जी, सुनाती हूँ. तो वो था कि कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, अपने आप में जाती हैं. तरस, सुकून, हुनर, इज्जत. तरस, पिटी, सुकून, रिलीफ, हुनर, टैलेंट, इज्जत, रिस्पेक्ट. तो कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, अपने आप में जाती हैं. तरस, सुकून, हुनर, इज्जत, चाहत, नफरत, करार, बरकत. आज मैंने तुझसे थोड़ा प्यार मांग लिया, आज मैंने तुझसे थोड़ा प्यार मांग लिया, लगता है कुछ गलत कर दिया. तो ये सुनाया था मैंने बस. These are the तो lines जो निर्मिका ने रहमान को सुनाए थे, and रहमान says to her that निर्मिका come right for me. Wow. आई मीन, आई एम ओनली ग्रेटफुल टू रहमान सर, दैट्स ऑल आई हैव टू से. ही somebody who gives अपॉर्चुनिटीज. मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा टैलेंट ऐसा था. सर सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और जहां भी पोटेंशियल देखते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज देते हैं. एंड आई थिंक दैट्स द वन थिंग अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस मस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल्सो इन द इंडस्ट्री, है ना, कि सबको चांस मिले, सब लोग आगे बढ़े. निर्मिका, सो आई थिंक या एब्सोल्युटली, बट आई थिंक आप थोड़े मॉडेस्ट हो रहे हो, बिकॉज योर टैलेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो उस न्यू फ्रेंडशिप जैम में आज आपने हमें ज्वाइन किया. जाते जाते जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई नो, आपने इस न्यू ऐप पे हर्षदीप के साथ एक ट्रैक पे जैम किया है ना, यस इफ यस आई एम नॉट यस, मिस्टेकन, आया मौसम दोस्ती का, दैट्स द हाँ ट्रैक यू जी, लैंड विद ऑन द. यस सो यस. हाउ इज योर एक्सपीरियंस यू नो ऑन दिस न्यू ऐप, यूजिंग दिस न्यू ऐप, यूजिंग दैट ऐप टू जैम विद योर फ्रेंड्स? आई थिंक दैट इट वाज अ होल न्यू डिस्कवरी फॉर मी, बिकॉज़ वी आर सो यूज्ड टू जैमिंग, यू नो, आइदर रियल टाइम और वी यूज्ड टू जैमिंग सोलो. बट आई डिडंट रियलाइज कि जैमिंग विद समवन ऑनलाइन कुड फील लाइक सच एन इंटीमेट कोलैबोरेटिव एफर्ट. सो आई रियली फेल्ट लाइक कि हम लोग स्टूडियो में ही थे, बिकॉज़ शी वुड स्टॉप, देन आई वुड सिंग, देन आई वुड स्टॉप एंड शी वुड सिंग. तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक आई डिस्कवर्ड समथिंग ग्रेट, एंड स्म्यूल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. सो आर यू गाइज एट रेडियो मिर्ची, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर थ्रू म्यूजिक. मतलब म्यूजिक से बड़ी कोई भाषा नहीं हो सकती, म्यूजिक से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता. सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. Absolutely, like we say here, you know, करते जम के मस्ती, जम के जाम. So you also sang a track there, right? जहाँ पे लोग जाके आपके साथ ड्यूएट कर सकते हैं. हाँ मुंबई से जी, आया मेरा दोस्त, हाँ जी, हाँ जी, that you sang over there, हाँ जी, and you know हम सब निर्मिका को as a poet तो जानते ही हैं, and हाँ we saw her sing initially, she sings really nicely. तो अगर आप जी, निर्मिका के साथ ड्यूएट करना चाहते हो, निर्मिका के साथ जाम करना चाहते हो, तो head to the Smule app right now. And jam with Nirmika on the track Mumbai से आया मेरा दोस्त. And let me tell you, Nirmika वो tracks देखने की वाली है. She is going to हाँ see your जी, performances. You never know if she likes it, she could share it, and you don't know who will see that. एब्सोल्युटली. है तो करिए, जैम ना? करिए.
All right, so this was me here jamming, or rather, मैंने तो गाया वाया कुछ नहीं, तो hanging out with Nirmika Singh. Nirmika, it's been lovely talking to you, and I'm so glad that I got to interview you. A lot of people are asking कि link चाहिए, ma'am, please check करो Smule कैसे करना है. Smule app download करो, search for the Nirmika Singh, या तो आप search कर सकते हो, या फिर आप Smule friendship playlist search कर लो, आपको सारी information मिल जाएगी. But Lovely. Nirmika, thank you one more time for joining us Thank you here to in you, this Ira. room. Thank you. You're doing a wonderful job, and hats off to all of you, all the RJs, जिनको हमेशा engage रखना पड़ता है with their audiences. It's a beautiful job, and I really, really salute everyone from your team. So thank you Thank for you having so me. much. Thank you. Thank you, Bye. Nirmika. Bye bye. Bye. All right, so that was Nirmika Singh. बहुत सारी क्रेडेंशियल्स हैं इनके, एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई गॉट टू स्पीक विद हर. आई शुड बी टेकिंग योर लीव नाउ, बट डोंट गो एनीवेयर, बिकॉज अभी एक और लाइव वीडियो शुरू होने वाला है. मिर्ची कनिका इस लाइव वीडियो को होस्ट करेगी, एंड शी विल बी स्पीकिंग टू हर्षदीप कौर. इज गोइंग टू बी रियली रियली फन हियर इन स्म्यूल फ्रेंडशिप जैम. माई नेम इज आरजे ईरा. आप तब तक मुझे फॉलो कर सकते हो इन केस यू वुड लाइक टू. माई हैंडल इज आरजे ईरा, आई आर ए मेरे नाम की स्पेलिंग. एंड डू चेक आउट दिस स्म्यूल फ्रेंडशिप जैम and the track India Jam karega. You guys have a good day. Bye.